घर से ही हमारी पहचान है। मैं सिर्फ विकास की बातें करता हूँ और आरा के विकास के लिए हमेशा भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ते आए। अब मेरी धर्मपत्नी श्रीमती आरती देवी उर्फ बेबी कुमारी आरा से उपमेयर की भावी प्रत्याशी है। उसी का परिणाम है कि आज जो जन समर्थन आप देख रहे हैं, हॉल में जगह नहीं है, बहुत सारे लोग जो है जो काफिले अपने अपने संसाधन से लोग आए और जो जन समर्थन मिला हमारे जैसे छोटे स्तर के, हम एक बहुत छोटे स्तर के स्टेट बैंक के कर्मचारी के लड़के हैं, सबसे निचले पोगा के कर्मचारी के लड़के हैं। तो इसी बीच में आपको पता है मेरे साथ बहुत सारा डिलीवरी भी हुआ, मेरे फादर भी एक्सपायर किए और उसी बीच में घोषणा हो गया। तो अभी डिप्टी मेयर का हम लोग नामांकन करके आए हुए हैं, जैसा कि पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था कि हम लोग प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया के लोग भी ये थे कि आप प्रेस वार्ता मतलब ये करें। तो हम लोग सोचे कि भाई ऐसे समय में प्रेस वार्ता करें कि नामांकन करके प्रेस वार्ता के ताकि कुछ दे पाए आपको। अब उसके पहले तो प्रेस वार्ता करने का हमें नहीं लग रहा था कुछ सकता था। तो सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरा धन्यवाद है कि आप लोग ने इतने मतलब व्यस्ततम समय में आप मेरे लिए मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप आए। सबसे पहले आप लोगों को मैं आभार करता हूँ, आरती देवी कुमारी जो उप महापौर के कैंडिडेट है उनके तरफ से भी। और जहाँ तक बात है, आपको पता है कि नगर निगम में हम ऑलरेडी भ्रष्टाचार के खिलाफ मेरा संघर्ष जारी है 10 वर्षों से। नगर निगम 36 का हमेशा रहा है और आप लोगों का, देखिए हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हम किसी भी विभाग को आप देख लीजिए, चाहे लाल बत्ती का मुद्दा रहा, चाहे मतलब योजना को आप बहुत सारे योजना आप देखे होंगे कि धरातल पर हुआ नहीं, उसका पैसे की निकासी कर ली गई थी। तो आज से नहीं, आप देखे होंगे 2014 में भी हमने विजिलेंस से जांच करवाया था, उसमें दोषी भी पाए गए, कई लोग गया भी, और आज भी हम लगे हुए हैं इसमें। हमारा क्या है, जिला प्रशासन और आप लोग को हमारा लोकतंत्र के चौथा स्तंभ का बहुत कोऑपरेशन है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और मेरी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आजीवन रहेगा, चाहे हम रहे या न रहे। सर सवाल, मेयर प्रत्याशी ना होके उप मेयर प्रत्याशी क्यों बनाए आप अपनी पत्नी को? अगर आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लड़ना था तो एज ए मेयर कैंडिडेट क्यों नहीं उतारे? चाहिए जनता पूछ रही है। अच्छा एक बात बताइए आप, मेयर अगर जेंट्स रहता तो मैं बिल्कुल लड़ता, ये तय था, जग जाहिर था। लेकिन आप खुद सोचिए, कभी भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो कखा से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट पीआर लगा नहीं ना चले जाएंगे। मेरी धर्म पत्नी लड़ रही है तो मेरा सीट जो है आरक्षित है, यहाँ से जनता के सहयोग से वार्ड 45 के सहयोग से रेणु देवी जी चुनाव जीती हुई है। और जहाँ इसलिए मैंने सोचा कि भाई जब आप फर्स्ट बार मेरी धर्म पत्नी लड़ रही है चुनाव, उप मेयर से ही शुरुआत किया जाए और मेरे लिए वहाँ सदस्य भी हम रहेंगे तो मेरे लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने में कोई रोक नहीं सकता है, ये आप जानते हैं। इसलिए मैंने कितना परिवर्तन लग रहा है इस बार, जो जनता का चुनाव हो रहा है इस बार पार्षद कई सारे लोग आते हैं खरीदे बेचे जाते हैं। देखिए एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ग्रुप के इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जनता को जो ये मिला है कि जनता खुद वोट देकर और वहां जाए, तो ध्यान रखना है कि जनता भू माफियाओं का, उसके बाद में धर्म समुदाय का, जात की बात करने वाला नहीं, जमात की बात करने वाला, सर्व समाज की बात करने वाला वो चुनाव जिता कर भेजे जो वहाँ अच्छे चौकीदार के रूप में आपका काम करे और पूरी ईमानदारी से चौकीदारी करे, कोई भी इधर से उधर कुछ नहीं कर पाए। जैसे हो हमारे आपको उजागर करना है, आप उजागर तो कर रहे हैं, आप 10 वर्षों से देख रहे हैं, 10 वर्षों से कई मामले को मैंने उजागर किया है,
सरकार का कितना वित्तीय अनियमितता को मैंने रोका है, कितना रिकवरी करवाया है। अब कहने का मतलब यह है कि आप मेरा ही न देना जी की आज पूरे रात रात भर काम चल रहा है, पूरे शहर में कोई वार्ड है जहाँ काम नहीं चल रहा है। देखिए मेरी मैं एक लाइन में बता देता हूँ, जब लड़ाई होगी ईमानदारी की, जब लड़ाई होगी छवि की, तो कोई कैंडिडेट है क्या? कोई कैंडिडेट है? मेरा इतिहास कोई खंगार लीजिए, मेरा क्या इतिहास रहा? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैं स्टेट बैंक का चतुर्थवर्गीय कर्मचारी का लड़का हूँ, और एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं कभी भी भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। आप देखे होंगे मेरा कद थोड़ा नीचे था, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ कि जनता ने जो मुझे चौकीदारी दिया है वार्ड 45 की जनता ने, उसको मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा, और मैं निभाता भी हूँ और आपका सहयोग भी मिलता है। जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए जनता से हम अपील करेंगे एक ही चीज की, मेरी धर्म पत्नी आरती देवी और बेटी कुमारी है, उनको आप जिताइए, और मैं इतना वचन देता हूँ कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम बनाने में अगर मेरी जान भी चली जाए तो हम उसके लिए बलिदान देने के लिए तैयार हैं, और मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर उपमेयर भी आप बनाइएगा तो समझ लीजिए मेरे बना के भेजिएगा, अगर उपमेयर भी आपका जाएगा तो हम महापौर बन के जाएगा, ये चीज ध्यान देखिए। देखिए ये जनता का चुनाव, हम कैसे समर्थन कर सकते हैं? आप भी एक तरीके से वोटर होंगे ना, तो जनता हम देखिए मेयर का प्रत्याशी का नाम आएगा तो किसका आप जानते हैं कि अपना मतदान गोपनीय रखा जाता है, तो मेरे पास एक मतदान है वो मैं गोपनीय रखूंगा, वो तो मैं संतुलित नहीं कर सकता। रही बात जो स्वच्छ छवि का होगा, मैं अपील करता हूँ जनता को, वर्तमान में हम किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम इतना ही जानते हैं कि हमारी पत्नी बाप वर्तमान में भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं। बेबी जी आपने मेहमान में आप बोल रहे हैं सर, आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, पीछे में बहुत सारे बातें हुई है, तो क्या आप उसमें हिसाब होगा उसका, जो अभी भ्रष्टाचार हुआ उसका क्या होगा? भ्रष्टाचार अभी जो हुआ है उस पर जांच चल रहा है, आपको पता होगा हम स्वयं अकेला आदमी है जो एक लौटा आदमी है। सारे पोस्ट किए थे फेसबुक पे, आपको क्या लगता है वर्तमान मेयर ने भ्रष्टाचार किया होगा कि नहीं, आपको क्या लगता है काम हुआ है, विकास हुआ है या भ्रष्टाचार हुआ है? नगर निगम का कण कण में भ्रष्टाचार है, कण कण में भ्रष्टाचार है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उससे लड़ना है और उससे हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं, हम सब लोग मिलकर लड़ सकते हैं, और एक आदमी की बात नहीं है, इतिहास कंगार के देखिए हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, उनसे खुद पर हमला कहाँ करवा रहे हैं, एक साक्ष उनसे बोलने के तो कुछ भी बोल सकते हैं, अभी भी ऐसा हुआ है वो जांच कर। मैडम जी अपने शहर को कैसा 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 लगा, पहला अनुभव था कैसा लगा ये बताइए, पहले कैसा लगा अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। पति का कितना साथ मिलता है आपको इस राजनीतिक जीवन में लाने के लिए? कई सारे लोग महिलाओं को बाहर नहीं लाने देते हैं, लेकिन आपके पति जिस तरीके से आपको बाहर ला रहे हैं कैसा लग रहा है ये क्षण, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, विकास होगा आपके कार्यकाल में, विकास होगा क्या लगता है? जनता को क्या कहेंगे, जनता को क्या कहेंगे? जनता से अपील कर दीजिए थोड़ा सा, जनता के पास बहुत अच्छा होता है, जनता के पास बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, और सारा कमान अब जनता के हाथ में गया है, हमको यकीन लग रहा है अद्भुत चुनाव होगा, ये चुनाव जो होगा ये धनबल बाहुबल और भू माफियाओं के लिए नहीं होगा, और धर्म के नाम पर बांट कर भी नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ बार बार, ये कोई भी कहेगा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब गलत है, ये चुनाव विकास के बारे में बात करिए ना, आपने क्या किया, आप प्रत्याशी तो बन गए, आपने क्या किया भाई, आपने अपने घर का जमीन बेच दिया दूसरे में, आपने आपने किसी का भूमाफियाओं का राज चले गए यहाँ पर क्या, तब तो फिर वही हाल हो जाएगा, तब जनता को चुनाव चुनने से फायदा क्या है भाई, जब भूमाफिया भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को पुनः आप जगह दे दीजिएगा, अब तो उसके पास मौका भी नहीं रहेगा, तो 5 साल खूब खूब करेगा गड़बड़, तो इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़कर, सम्मानित जो जनता है उनको हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आप मेरे बारे में क्या कमेंट कर दीजिए ना, और जो भी प्रत्याशी है चाहे मेयर हो, मेयर हो, वार्ड पार्षद हो, आप देखिए कि कौन योग्य है, योग्य कौन है, हम एक पार्षद छोटा सा पार्षद का प्रतिनिधि है, मेरे बगल में रेणु देवी है, उनकी प्रतिनिधि के तौर पर मैंने काम किया और 2012 से 17 पार्षद के रूप में मैंने काम किया, आज आज हमारा कार्य का नतीजा है कि आज शहर के बच्चा बच्चा कह रहा है कि रात रात भर काम चल रहा है,
अमरिंदर जी क्या समझ रहे हैं? अमरिंदर जी एक सवाल है, अमरिंदर जी आपको जनता वोट क्यों देगी? जनता वोट देगी, जनता को क्या चाहिए? जनता को क्या चाहिए? घर को क्या चाहिए? एक अच्छा मालिक चाहिए, घर का एक चाहिए ना, अच्छा मालिक हो जो पूरी तरह से सारे घर के परिवार को एक सूत्र में बांध कर चले। अच्छा क्या क्या काम है जो तो करना है? का मतलब है आप तो देखते हैं, आप तो शुरू से देखते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, सब लोग मिला के चलने वाले लोग हैं और जो उनको चाहिए मेन चीज यही ना है कि विभाग से जो पैसा आता है, योजना के नाम पर जो पैसा आएगा, या मतलब आवास के नाम पर जो पैसा आएगा, या शौचालय के नाम पर जो पैसा आएगा, तो इस सब चीज जो पैसा गरीब गुरबों के लिए आता है या सुखी संबंध के लिए आता है कि योजना या आपको धरातल पर उतारने के लिए, हम उसकी पूरी निगरानी करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। अगर जनता मुझे समर्थन देकर भेजती है तो उपमेयर का प्रत्याशी उपमेयर तो गांधी जी मेरी पत्नी को बनाकर भेजेगा, लेकिन मैं इतना वचन दिलाता हूँ कि एक कण भी गलत नहीं होने देंगे, और ये जनता को विश्वास होगा, मेरे ऊपर विश्वास होगा कि हम टेस्टेड होके हैं, लोगों को टेस्ट करते हैं, हम टेस्टेड होके हैं। जीत के बाद सबसे पहले आरा के लिए क्या काम होगा? देखिए सबसे पहले हम लोग का टारगेट क्या है कि मैं सीवरेज जितना भी नाला अंडरग्राउंड बना देगा। अभी क्या हो रहा है अमरिंदर सर, अभी देखिए सबसे बड़ा चीज सुमार का समस्या क्या है? जल जमा। अभी नए नए मोहल्ले बन रहे हैं, पुराने मोहल्ले हैं बन रहे हैं, रोड पर ढलाई पर ढलाई हो रहा है। लेकिन आप मेट्रो सिटी में जाकर देखिए या अदर स्टेट में जाकर देखिए, आप देखे होंगे क्या होता है। पहले क्या है, रोड बनने से पहले नाला सीवरेज होते हैं। मेरा अपना है, देखिए हम ये नहीं बोलेंगे, बहुत लोग को देखते हैं कि बोल रहे हैं मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। अच्छा एक बताइए, एक उपमेयर की क्या अपना ये कैपेसिटी है? हम इतना जरूर बोल रहे हैं कि यहाँ के विधायक, यहाँ के मंत्री, जिसका सरकार होगा उस तक हम ले जाएंगे, एजेंडा में शामिल कराएंगे और उसका निर्माण कराएंगे, ये वचन है। मैं सबसे पहले जल जमाव से मुक्त करने के लिए पूरे शहर में अंडरग्राउंड नाला का बनवाने के लिए प्रयास करूंगा, ये नहीं है कि मैं खुद कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। गलत सलत बोलेंगे नहीं हम, इसलिए कि देखिए गलत बोलकर एक बार आपको चिट कर सकते हैं, बार बार नहीं कर सकते हैं। और मेरा छवि जान लीजिए, ना भ्रष्टाचारी वाला है, ना भूमाफिया वाला है, लोगों को चुने। अगर लगता है कि उसमें हम आ रहे हैं तो मुझे भी चुने, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दे, ताकत दे, मुझे ताकत दे, तब मैं चौकीदारी करेंगे जी। आज मान लीजिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनके पास ताकत आया है तब ना वो कर दिया है। आप मुझे ताकत दीजिए, हम आपको विश्वास देते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे।